दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने द विच मूवी का नाम तो सुना ही होगा। द विच मूवी 2016 में रिलीज और आईएमडीबी रेटिंग 6.9 के साथ एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस ये सब देखने को मिलेगा। वहीं इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो इंग्लैंड में 17वीं सेंचुरी में एक किसान परिवार को इस मूवी में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत कोर्ट रूम से होती है, जहां विलमोन के परिवार पर चर्च की बात ना मानने की वजह से मुकदमा चलाया जा रहा होता है। मुकदमा खत्म होने के बाद विलमोन को अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर चले जाने की बात कही जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि विलमोन का पूरा परिवार गाँव छोड़कर जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि विलमोन का पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि विलमोन और उसका पूरा परिवार जंगल के पास में ही एक छोटा सा फार्म बना लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थॉमसिन, जो कि विलमोन की बेटी है, वह अपने छोटे भाई के साथ खेल रही होती है। तभी उसका भाई ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब से दिखने वाली बुढ़िया, या कहें तो एक बीच, जो कि एक छोटे बच्चे के साथ एक अनुष्ठान कर रही होती है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बीच उस बच्चे की मांस को लेकर अपने शरीर पर लगा रही है और साथ ही अपने जादुई छड़ी पर भी लगा रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विलमोन की पत्नी कैथरीन, जो कि अपने खोए हुए बच्चे के लिए दुआ कर रही है और रो रही है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि विलमोन अपने बेटे कैलिफ के साथ शिकार पर जा रहा होता है। विलमोन अपने बेटे से कहता है कि उसके भाई के गुम होने से पहले से ही उसने जंगल में एक फंदा लगा कर रखा है, जिसे वह देखने जा रहा है। इसके साथ ही वह बताता है कि उसने उसकी माँ की चांदी की एक प्याली बेच दी है और उसके बदले उसने एक शिकार करने के लिए गन खरीदा है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि विलमोन के जुड़वे बच्चे बकरी के साथ खेल रहे हैं। तभी विलमोन बीच में आ जाता है और बकरी को उसके बाड़े में ले जाता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि थॉमसिन अपने पिता के गंदे कपड़े को नदी के किनारे साफ कर रही है। तभी वहाँ थॉमसिन की छोटी बहन आती है, जिसे थॉमसिन डराने के लिए यह कहती है कि वही विच है और उसने ही छोटे भाई को मार दिया है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा हुआ है। कैथरीन अपनी बेटी थॉमसिन से अपने गुम हुए प्याले के बारे में पूछ रही है। उसे शक है, जिस तरह उसने अपने भाई को गुम कर दिया है, वैसे ही कहीं उसने उसके चांदी के प्याले को भी गुम कर दिया होगा। अगले सीन में थॉमसिन रात में बाड़े की तरफ जा रही होती है, जहां उसे एक खरगोश दिखाई देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन और विलमोन थॉमसिन को दूसरे शहर भेजने की बात कर रहे होते हैं। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैलिप सुबह सुबह कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी थॉमसिन वहां आ जाती है और वो भी साथ चलने की बात कहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैलिप और थॉमसिन जंगल में शिकार के लिए जा रहे हैं। तभी उन्हें रास्ते में खरगोश दिखाई देता है, कि वही खरगोश होता है जो थॉमसिन को बाड़े के पास दिखा था। तभी फॉलर, जो कि उनका कुत्ता होता है, वो उस खरगोश के पीछे भागता है। इसके बाद कैलिप भी फॉलर के पीछे अपनी गन लेकर भागता है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि विलमोन और कैथरीन कैल्विन और थॉमसिन को ढूंढ रहे होते हैं। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैल्विन, जो कि गन लेकर जंगल में भटक रहा है, वो शायद रास्ता भूल चुका होता है। वो अचानक भागते भागते गिर जाता है। तभी उसकी नज़र फॉलर पर पड़ती है, जो कि अधमरा सा पड़ा हुआ होता है।
जिसे देखकर वह डर जाता है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है थॉमसन भागते हुए अपने पिता के पास जा पहुंचती है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैली भागते हुए एक झोपड़े के पास जा पहुंचता है, जहां उसे एक महिला दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है। जैसे ही वो उसके पास जाता है वो एक खतरनाक विच में बदल जाती है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कैथरीन बेलमोंट से शहर जाकर मदद लाने की बात कह रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैथरीन थॉमसन से पूछ रही होती है कि वहाँ जंगल में क्या हुआ, तुम्हारा भाई कहाँ है और तुम क्यों नहीं खोई। उसे शक होता है कि उसी ने उसके भाई को कुछ कर दिया होगा। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कैथरीन थॉमसन को बाड़े में भेजती है बकरियों को देखने के लिए, जहाँ थॉमसन को कैल्विन अजीब सी हालत में मिलता है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैथरीन कैलिव का इलाज कर रही होती है। अगले सीन में थॉमसन दूध निकालने की कोशिश कर रही होती है, जहां बकरी की दूध की जगह खून होता है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैथरीन विलमोन से कह रही है कि उनके बच्चे पर किसी ने काला जादू कर दिया है, जिस पर विलमोन कहता है कि उसका बच्चा सिर्फ बीमार है, वह उसे डॉक्टर के पास शहर ले जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैलिव नींद में कुछ बड़बड़ा रहा होता है, जिसे देखकर कैथरीन और वेलमोन दोनों घबरा जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कैथरीन और उसका पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है। तभी कैलिव बाइबल के कुछ शब्द बड़बड़ाता है और फिर अचानक से शांत हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन थॉमसन को विच समझती है और उसे घर छोड़कर चले जाने को कहती है। सीन में आगे दिखाया जाता है विलमोन थॉमसन के पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। विलमोन थॉमसन से पूछता है कि क्या वह सच में विच है, क्या उसने किसी तरह की कसम खा रखी है। इस बात को लेकर इन दोनों में बहस भी हो जाती है। थॉमसन का कहना है कि उसके जुड़वा भाई बहन ही असली विच है, क्योंकि वह एक बकरी से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक विच ही करता है। जिस पर वेलमोन कहता है कि अगर ऐसा है तो वह अपनी कुल्हाड़ी से उन दोनों की जान ले लेगा। सीन एक बार और शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विलमोन थॉमसन और अपने जुड़वा बच्चे को बकरियों के बारे में बंद कर देता है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है, जहां थॉमसन अपने जुड़वे से पूछ रही होती है कि क्या तुम लोग विच हो, क्या तुम सच में बकरियों से बात कर सकती हो। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि विलमोन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि वह उनके परिवार की रक्षा करे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैथरीन अपने मरे हुए बच्चों से बात कर रही है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बाड़े में जुड़वा बच्चे डरे हुए हैं। तभी सीन एक बार और शिफ्ट होता है, जहाँ दिखाया जाता है कि कैथरीन के शरीर को कौवा नोच कर खा रहा है, जिसका एहसास कैथरीन को भी नहीं है। सीन एक बार और शिफ्ट होता है, जहाँ जुड़वा बच्चे किसी भयानक चीज़ को देखकर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। अगले सीन में हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ विलमोन अपने घर से बाहर आता है और सभी चीज़ों को उथल पुथल देख कर हैरान रह जाता है। तभी उस पर ब्लैक केविल, जो कि एक बकरा है, अचानक से हमला कर देता है, जिससे उसे एक गहरी चोट लग जाती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। यह देखकर थॉमसन जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर कैथरीन नींद से जाग जाती है और वह भी बाहर आ जाती है। उसे लगता है कि थॉमसन ने ही विलमोन की जान ली है। सीन में आगे कैथरीन थॉमसन पर हमला कर देती है। खुद की जान बचाने के लिए थॉमसन कैथरीन पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे कैथरीन की जान चली जाती है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है थॉमसन रात में बाड़े के पास जा पहुंचती है और ब्लैक केविल से बात करने की कोशिश करती है। वह उससे कहती है कि वह उसी तरह
उससे भी बात करे जैसे वो जुड़वा से बात करती थी। ब्लैक केविल उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? थॉमसन कहती है कि तुम क्या दे सकती हो। इस पर ब्लैक केविल कहता है, तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। उसे एक किताब दिखाता है और उसे कहता है कि तुम इस पर अपनी सिग्नेचर कर दो। जिस पर थॉमसन कहती है कि मुझे अपना नाम लिखना नहीं आता है। इस पर ब्लैक केविल कहता है, तुम आगे चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इसके बाद सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जंगल में कुछ बीच एक अलग ही तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं, जहां थॉमसन भी जा पहुंचती है और वह भी एक बीच में बदल जाती है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है और मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।